इस छोटी सी चार दीवारी के भीतर आलोक और सुमन 20 साल से अपनी दुनिया बसाए हुए हैं। दोनों बेटियों के साथ इस आशियाने में बहुत सुकून से तो नहीं रहते, लेकिन अब वो भी दुभर हो जाने का डर सताने लगा है। नोटिस लगाने से कितनी दिक्कत हो जाती है, लोगों की नींद हराम हो जाती है, बच्चों की पढ़ाई है, कितनी टेंशन बढ़ जाती है। यही तो डर रहता ना कि कहीं आकर के गिरा ना दें, तो इसीलिए टेंशन होती रहती है। अरे कम से कम 2-4-5 साल और रुक जाते, बच्चे छोटे छोटे पढ़ जाते हैं। यही बोला था ना कि पहले मकान, जहाँ झुग्गी वहीं मकान बोला था ना, तो हमको भी यही चाहिए कि जहाँ झुग्गी जहाँ मकान, हमको कहीं मकान दे, मकान इतना भी दे जहाँ हमारा रोजी रोटी हो, कि 5-6 किलोमीटर दूरी में, ये थोड़ो कि 20-25 किलोमीटर दूर फेंक दें कि जहाँ रोजी रोटी ना हो मेरी। बरसों से 100 परिवारों का पता सरोजनी नगर की ये झुग्गी ही है। नोटिस के हिसाब से इसे आज खाली हो जाना चाहिए था। रेलवे ने 22 जुलाई की तारीख मुकर्रर की थी। रेलवे फौरन जगह खाली कराने पर अड़ा है, तो दूसरी तरफ दिल्ली सरकार बिना वैकल्पिक घर दिए इन लोगों को हटाने के खिलाफ है। पिछले 4 वर्षों से दिल्ली सरकार और रेलवे के बीच झुग्गियों को लेकर चर्चा चल रही है। दिल्ली में 140 किलोमीटर के ट्रैक के आसपास 48,000 झुग्गियां हैं। दिल्ली सरकार ने रेलवे से कहा था मार्च 2022 तक सभी को नए घर दे दिए जाएंगे। अभी रेलवे ने एक नेशनल पॉलिसी फॉर जो स्लम्स हैं, ट्रैक के पास है, जो होमलेस हैं, जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए एक पॉलिसी बनाई है, तो उस पर भी चर्चा भी होना बाकी है। लेकिन जिस तरीके से शहरों के अंदर डेमोलिशन विस्थापन कर दिया जाता है बिना किसी नोटिस के थ्रू, और उस नोटिस पे अधिकारी का नाम भी नहीं होता है, कभी कभी कहीं कहीं जगह मिल जाता है कि नोटिस दे दिया है, नहीं तो बाकी जगह ऐसे देखने में मिलता है कि कोई नोटिस नहीं दिया जाता है और लोगों को डेमोलिशन उनके स्लम बस्तियों का कर दिया जाता है। लोगों को घर अब तक नहीं मिला है, जो कुछ मिला है तो वो है वादे और डर। लोगों का कहना है कि कोर्ट के स्टे के बावजूद रेलवे लगातार उन्हें नोटिस देता रहता है और उन्हें डराता रहता है। लैंड एंड हाउसिंग राइट्स नेटवर्क एक संस्था के मुताबिक साल 2022 से 2023 यानी एक साल के अंदर दिल्ली में अलग अलग जगहों से 3.25 लाख लोगों को बेघर कर दिया गया। अब सरोजनी नगर फ्लाइंग क्लब और अनेक जो आसपास की झुग्गियाँ हैं उन्हें यह डर सता रहा है कि उनका भी घर उजाड़ दिया जाएगा। दिल्ली से अतुल रंजन, NDTV इंडिया।